नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम कब्ज के नाम से जानते हैं। ये आज एक आम समस्या बन गई है और बहुत लोगों को आज कब्ज की समस्या रहती है। इसको हम समझ नहीं पाते कि हम कब्ज कहें किसको। पेट का साफ ना होना, हमारा पेट कई दिन साफ नहीं होता, हम मोशन जाते हैं लेकिन हमें मोशन नहीं आता। दिन में ऐसा तो रहता है कि पेट में भारीपन हो रहा है, मुझे मोशन जाना चाहिए, लेकिन हम जब मोशन जाते हैं तो मोशन आता ही नहीं है। हम प्रॉपर डाइट लेते हैं, हम खाना तो प्रॉपर खाते हैं, लेकिन मल हमें आता ही नहीं है। कई कई दिन हमारा पेट साफ नहीं होता। अगर आपका पेट 3 दिन या उससे अधिक दिन तक साफ नहीं होता तो यही कब्ज होती है। पेशेंट जब मोशन पास करने जाता है, उसको मोशन आता नहीं है और वो बहुत जोर लगाता है। जोर लगाने के साथ में पता चलता है कई बार उसको ब्लड भी आ जाता है, या एनस वाला जो पार्ट्स है वो छिल जाता है, या उसको पाइल्स भी हो जाती है, क्योंकि इसमें जो मोशन है वो बहुत टाइट हो चुका होता है, गांठ जैसा हो जाता है, मोशन टुकड़ों में आने लगता है। मोशन टुकड़ों में आना, पेट का साफ ना होना, खाने के बाद भी मोशन का ना आना और 3 दिन या उससे अधिक दिन तक पेट साफ ना होना, यही कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर आपका पेट ठीक है तो आपको सुबह उठते के साथ ही मोशन आना चाहिए। अगर आपको मोशन डेली नहीं आ रहा और कई दिन हो गए तो आपको मोशन मतलब कॉन्स्टिपेशन हो गया है। यह दिक्कत होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि जो मोटे हैं, उन लोगों को देखा जाता है कॉन्स्टिपेशन होने के चांस ज्यादा होते हैं। जिनको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है, उनको कॉन्स्टिपेशन होने के चांस ज्यादा होते हैं। जो लोग फाइबर कम लेते हैं अपनी डाइट में, वो बाहर का खाना ज्यादा लेते हैं, मिर्च मसाला ज्यादा खाते हैं, चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। या कुछ लोग डाइट कम ले रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, खाना कम कर दिया, एकदम से उन्होंने बदलाव कर दिया, तो उसके कारण से उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। या पहले वो एक्सरसाइज करते थे और उन्होंने एकदम एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, तो उसके कारण से उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। किसी प्रकार का उनको स्ट्रेस रहता है, नींद प्रॉपर नहीं आती, ट्रेवलिंग में ज्यादा रहते हैं, पानी कम पीते हैं, तो ये सब कारण भी होते हैं कॉन्स्टिपेशन के। डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा लेते हैं, या उनका आना जाना ट्रेवलिंग यानी कि ज्यादा रहती है, तो उसके कारण से उनकी नींद प्रभावित होती है, उनका डाइजेशन प्रभावित होता है और उनको कब्ज हो जाती है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। या जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, उनकी जॉब इस प्रकार की है जिसमें उनको रात को जॉब पर जाना पड़ता है, उसके कारण से उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उनको कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर दोस्तों आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें आपको फाइबर लेना चाहिए। आप जो डाइट ले रहे हैं उसमें आप सैलेड लें, उसमें आप फ्रूट्स लें, आप पानी ज्यादा लें, और जो आपकी बुरी हैबिट्स है उसको आप अवॉइड करें। आप बाहर का खाना खाते हैं, आप मिर्च मसाले ज्यादा खाते हैं, आप नींद कम लेते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, आप ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये आपको बदलाव लाने पड़ेंगे। आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। हम कोई मेडिसिन नहीं देते, हम किसी स्टूडेंट का यूज नहीं करते, हम न्यूरोथेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं, हम पूरे सिस्टम को आपको समझते हैं, आपको डायग्नोस करते हैं और आपकी बॉडी की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे आपकी पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन भी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।